बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जमात हफ्तम की उर्दू का आज जो है वो पांचवा लेक्चर है, और आज आप सबके पास मौजूद होगा आप लोगों का सिलेबस, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों ने क्या करना है। दोहराई करनी है। दोहराई सारी जो है वो ग्रामर की दोहराई है। आप सबके पास कॉपीज़ में, रिटन फॉर्म में मौजूद हैं ये ख़त भी, दरख्वास्तें भी और कहानी भी। ठीक है, ख़त है वालिद के नाम इम्तिहान में कामयाबी का ख़त, और वालदा के नाम तोहफे के शुक्रिया का ख़त है। ठीक है, आप में से अगर किसी बच्चे के पास ये रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं है, गर्ल्स में से मेजॉरिटी गर्ल्स की थोड़ी सी कंप्लेंट थी कि उनके पास ये रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं है खतूत भी और मे भी दरख्वास्तें भी, तो आप लोग अपनी ग्रामर की किताब में से देखें, ग्रामर की बुक में से देखें, आपको आसानी से वालिद के नाम इम्तिहान में कामयाबी का ख़त और वालदा के नाम तोहफे के शुक्रिया का ख़त मिल जाएगा। आपको इसका फॉर्मेट तो पता है, ख़त का फॉर्मेट क्या होता है, दरख्वास्त का फॉर्मेट क्या होता है, ये आपको फॉर्मेट बहुत अच्छी तरह पता होगा 7th क्लास में, क्योंकि ग्रेड 7 तक आते हुए बच्चों को अच्छी तरह पता चल जाता है कि फॉर्मेट क्या होता है। तो आप लोग उसमें से अपनी ग्रामर की किताब में से वालिद के नाम इम्तिहान में कामयाबी का ख़त और वालदा के नाम तोहफे के शुक्रिया का ख़त जो है वो आप लोग लिख भी लें और याद भी कर लें। ठीक है, दरख्वास्तें हैं, दो हैं आप लोगों की दरख्वास्तें। दरख्वास्त बराए शादी, रुखसत शादी, यानी शादी के लिए जो रुखसत ली जाती है, शादी के लिए जो छुट्टी ली जाती है उसकी दरख्वास्त है, और दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी है। ये दोनों दरख्वास्तें गर्ल्स बॉयज़ दोनों को 6th में भी करवाई गई हैं और 7th में भी करवाई गई हैं। तो इनको याद करना या इनको लिखना कोई आप लोगों के लिए बड़ा मसला नहीं है, इनको आपने याद करना है। और कहानी है हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कहानी बॉयज़ सेक्शन को करवाई गई है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है गर्ल्स सेक्शन को ये कहानी नहीं करवाई गई। तो आप लोग देखें, बादशाह तैमूर वाली ये कहानी है हिम्मत मर्दा, जिसमें वो जंग अपनी हार के जो है वो एक गार में पनाह लेता है, तो वहाँ पर वो एक मकड़ी से सबक हासिल करता है। तो ये बहुत ही आसान सी कहानी है, आप अपनी किताब में देखें, वहाँ पर ये कहानी मौजूद है, इसको आप लोग लिखें भी और इसको याद भी करना है। उर्दू की बस ये दोहराई है, इसको आपने अच्छी तरह ग्रामर को अच्छी तरह याद करना है, और इसी का जो है वो आपका ओरल या रिटन फॉर्म में टेस्ट होगा। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।